आपका नारा सबका साथ सबका विकास है, लेकिन विकास सिर्फ अडानी का है इस देश में। सबसे गंभीर बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आज ही लगातार इस देश के लॉ मिनिस्टर जुडिशियरी पर अटैक कर रहे हैं। डेली का काम आप अखबार उठाकर देखिए, सुबह को मैं पढ़ता हूं तो केंद्रीय कानून मंत्री रोज जो है जुडिशियरी को सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए नजर आते। ये किस तरफ आप देश ले जाना चाहते हैं? हर चीज आपके हिसाब से चलेगी क्या देश में? बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज। यहां क्या हो रहा है कि अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? जिस तरीके से कानून मंत्रालय कोर्ट को धमका रहा है और जिस तरीके से जुडिशियरी में अभी प्रेशर बना करके आज मद्रास हाईकोर्ट में कोई शपथ हुई, अगर इस तरीके के जजेस का रिकमेंडेशन होगा, इस तरीके के जो हेट स्पीच करने वाले वो क्या न्याय देंगे? सब आप इस देश के ताने बाने को मत तोड़िए। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ। नमस्कार, मीडिया गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आपको बता दें, अडानी के घोटाले को लेकर संसद भवन के अंदर हंगामा मच गया है। जी हां, आपने सही सुना। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुमार दानिश अली ने संसद भवन के अंदर तहलका मचा दिया है। अडानी पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अडानी ने जिस तरह से देश का पैसा जो गबन किया है उसको लेकर संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सड़क से संसद तक पूरी तरह से ये अडानी के महा घोटाले को उजागर करने पर लगे हैं और मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से देश का पैसा अडानी ने गबन किया है। पहले आप कुमार दानिश अली का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। 2013 में सरकार आई सबका साथ सबका विकास के नाम से, 2019 में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास बढ़ गया। सभापति महोदय, मैं जो यहां पर पॉइंट वाइज माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उसी पर अपने आप को केंद्रित रखना चाहूंगा। मैं सभापति महोदय, देखिए मैं अभी बोलना स्टार्ट भी नहीं किया, पहले से डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं ये। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रोजगार की बात हुई थी 2014 में, 2 करोड़ रोजगार आप हर साल देंगे, लेकिन हालत क्या है कि 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आज ऑक्सम की रिपोर्ट आई, क्या हालत है कि 1% देशवासियों के पास 40% से ज्यादा इस देश की वेल्थ है। आपका नारा सबका साथ सबका विकास है, लेकिन विकास सिर्फ अडानी का है इस देश में और किसी का नहीं हो रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी जोर का नारा इस सरकार ने दिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या कर रहे हैं? इनकी सोच देखिए सभापति महोदय, हरियाणा से ये नारा शुरू हुआ था मुझे अगर याद होगा, और वहां का एक तथाकथित गुरु जिसके चरणों में इनके नेता जाकर के उसका प्रवचन सुनते हैं, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट कन्विक्टेड, उसको बार बार हर तीसरे महीने पैरोल पर लाते हैं और उससे प्रचार करवाने का काम करते हैं। वो क्या राम रहीम करके कुछ है? नो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, प्लीज। लेकिन मतलब इनका आप देखिए सभापति महोदय, इनका क्या क्या इनका आचरण है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, सबने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है गुजरात की सरकार ने छोड़ा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है क्या? आप करना क्या चाहते हैं? और तो और सभापति महोदय, हम जिस तरीके का आचरण, जिस तरीके का इन्होंने पिछले 9 साल का लेखा जोखा यहां हमें दिया, सर आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो कह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूं, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा, एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन कर क्या रहे हैं आप?
कि जो बेटियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं, मदरसे में पढ़ने जाती हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने खत्म कर दी। जो पीएचडी एमफिल करना चाहते हैं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने खत्म कर दी। देश के 90 जिलों में संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए इस जो अभी बजट आया उसमें मात्र 10 करोड़ जो का प्रावधान किया, जबकि देश भर के इन अध्यापकों के 5.5 साल का केंद्र अन्य सरकार पर शेष है जो लगभग 500 करोड़ रुपए है। इस तरीके से आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाएंगे। सभापति महोदय, बहुत जोर से कहा गया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया गया या बन रहा है। मैं जिस जिले से आता हूं अमरोहा के अंदर, सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज तो दूर, जो सरकारी अस्पताल है बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन एक डॉक्टर नहीं है वहां पर, एक नर्स नहीं है। ये व्यवस्था है सरकारी, हेल्थ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा वो संज्ञान लें कि अमरोहा के अंदर जो जिला अस्पताल है, अमरोहा जिले में अस्पताल है, बछराई में 50 बेडेड हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, लेकिन एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे नहीं आप, पैरामेडिकल्स की नियुक्ति करेंगे या नहीं आप? और तो और छोड़िए सभापति महोदय, यहीं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पिछले दशक से ये मांग कर रही है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज आप खोल दीजिए। इतनी बड़ी आबादी है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, नोएडा, ओखला, इधर वहां पर। अब तो हम हाथ जोड़ के इनसे ये भी कह दिया कि साहब आप हॉस्पिटल छोड़िए 100 बेडेड, केवल फैकल्टी खोल दे दीजिए, हॉस्पिटल वहां प्राइवेट हॉस्पिटल से अटैच हो जाएंगे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार इस देश के लॉ मिनिस्टर जुडिशियरी पर अटैक कर रहे हैं, डेली का काम आप अखबार उठाकर देखिए, सुबह को मैं पढ़ता हूं तो केंद्रीय कानून मंत्री रोज जो है जुडिशियरी को, सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए नजर आते। ये किस तरफ आप देश ले जाना चाहते हैं? हर चीज आपके हिसाब से चलेगी क्या देश में? ये क्या है कोई? सभापति महोदय, इस देश में हो क्या रहा है? हमने मध्य प्रदेश की घटना देखी, हमने उत्तर प्रदेश में घटनाएं देखी, हमने आसाम में घटनाएं देख रहे, क्या हो रहा है? बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज, क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, FIR शुड बी लॉन्च, इन्वेस्टिगेशन शुड टेक प्लेस, ट्रायल मस्ट टेक प्लेस, देन इफ समबडी इज गिल्टी ही मस्ट बी पनिश्ड। यहां क्या हो रहा है कि अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे? ये क्या है? क्या इसलिए इस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया था? क्या इसलिए मौलाना आजाद ने जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के तकरीर की थी कि आप कहां जा रहे हो जब देश का बंटवारा हो रहा था? इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं और खासतौर से हम मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हो? मैं सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सभापति महोदय, आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके का ट्रेंड इस देश में चल रहा है। आप अपनी पार्टी में, आपने आपका सपना, आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस ने गलतियां की थी इसलिए जनता ने हरा दिया, कांग्रेस अगर अच्छा करेगी, अब उनके नेता निकले भारत जोड़ो करने, जनता हो सकता फिर आशीर्वाद देते, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका, ये आपने अपने अंदर कर लिया है, ये यहां भी हो रहा है। सभापति महोदय, मैं 2019 में चुनकर आया अमरोहा से, मेरे साथ यहां दो कुलीग बैठते थे, एक रामपुर रिप्रेजेंट करते थे, एक लक्षद्वीप रिप्रेजेंट करते थे। समाप्ति क्यों आ रहा हूं? मैं वही आ रहा हूं कि किस तरीके से लेजिस्लेचर में इस देश के अकलियतों को, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को डिनाई किया जाए। आप कोई केस हुआ, चुनाव का केस हुआ, उसमें बहुत स्पीड से कन्विक्शन करा दिया, आजम खान साहब यहां नहीं रहे, इस सदन के सदस्य है, लक्षद्वीप के फैजल साहब थे, उनका कोई केस चल रहा था, उसमें कन्विक्शन हो गया, आप वो सदस्य नहीं रहे। और सबसे गंभीर बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आज ही जिस तरीके से कानून मंत्रालय कोर्ट को धमका रहा है और जिस तरीके से जुडिशरी में अभी प्रेशर बना करके आज मद्रास हाई कोर्ट में कोई शपथ हुई, अगर इस तरीके के जजेस का रिकमेंडेशन होगा, इस तरीके के जो हेट स्पीच करने वाले वो क्या न्याय देंगे? सभापति महोदय, आई एम कंक्लूडिंग इन 30 सेकंड्स कि अगर इस तरीके के लोग होंगे तो क्या न्याय की उम्मीद करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, बोल रहे हैं,
यहां पर देश की राजधानी में ये संसद भवन है और यहां से 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीचेस होती हैं, रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के वो उनको मार दो, ये हो क्या रहा है। अभी 2 दिन पहले एक तथा कथित साधु ने, मैं साधु नहीं कहूंगा क्योंकि साधु जो होता है वो तो बहुत ही दयालु होता है, साधु नहीं कहूंगा, तथाकथित साधु, सो कॉल्ड साधु जो है वो सरेआम कह रहा है कि मैं 83 साल का हूं, मैंने 80 मर्डर किए हैं। लेकिन आपने दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं की, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको नोटिस भेज दिया आपने। आप करना क्या चाहते हैं, वे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में आपने लागू कर रखी है। yes. सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए ये देश सबका है, ये देश मिलीजुली संस्कृति का देश है, इस देश का ताना बाना सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सबने मिलजुल करके इस देश का ताना बाना बुना है। इस देश के ताने बाने को मत तोड़िए, खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं लोगों को, आप इस तरीके से टेररिज मत कीजिए। एक इतनी बड़े सेक्शन को आप सेकेंड ग्रेड सिटीजन नहीं बना सकते। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी की लड़ने के लिए, हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। आप लोगों का इतिहास कहीं नहीं था, आप सिर्फ इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। आप बलगाट का नाम बदलोगे, आप किसी बिल्डिंग का नाम बदलोगे, आप किसी सड़क का नाम बदलोगे, क्योंकि आपका अपना कोई इतिहास नहीं है, इसलिए आप दूसरों के इतिहास को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमको संबोधित किया। बहुत बहुत शुक्रिया सभापति महोदय, धन्यवाद धन्यवाद। कुमार दानिश अली का आपने ये बयान सुन लिया, किस तरह से उन्होंने योगी सरकार को लपेटे में लिया, किस तरह से उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया, जिस तरह से जो अडानी ने देश का पैसा गबन किया, LIC SBI तमाम वो संस्थाओं का पैसा गबन किया है, इसका आरोप लगाया है बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुमार दानिश अली ने। आपकी क्या राय है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जुडिशरी को लेकर भी कुमार दानिश अली ने सवाल खड़े किए हैं कि केंद्र सरकार आए दिन जुडिशरी पर भी हमला करती नजर आती है। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुमार दानिश अली ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, आपने सही सुना। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप HNP न्यूज टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन वाला बटन दबा के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।